हम जब यहाँ पे पास्टर का वचन सुनते हैं और जब हम घर पे या अगर हम संसार में चले भी जाते हैं तो याद रखो कि जो हम वचन यहाँ पे सुने हैं वो हमारे अंदर बार बार हमको याद दिलाते हैं। जब हमें बुरे विचार आते हैं, जैसे हमारी बहन बोल रही है कि मेरे को बहुत सारे बुरे विचार आ रहे हैं कि तुम जियो मत, तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, तुम अपने आप को कुछ भी कर दो, क्योंकि हुआ ऐसे कुछ परिस्थिति ऐसे हुई है कि हमारी सिस्टर थोड़े टाइम से कलीसिया नहीं आ पा रही है और बोल रही है इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन लगातार हमारे पास्टर जी की शक्ल मेरे आगे और उनका वचन मेरे कानों में ऐसे गूंज रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था उससे पहले कि मैं कुछ कर दूं इससे अच्छा मैं कलीसिया जाऊं और जाके वचन सुनूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कलीसिया जाऊंगी तो मैं छुटकारा पाऊंगी। कहती है शैतान मुझ पर हावी हो, इससे अच्छा है मैं कलीसिया को चुनाव करूं और तुरंत वचन सुनूं। और कहती है सचमुच मैंने डिसीजन लिया, आज कुछ भी हो जाए मैं चर्च आऊँगी, शैतान के आगे नहीं झुकूँगी। और कहती है मैं आ पाई, वचन सुनी और सचमुच आज जो उम्मीद का और होप का विश्वास का वचन था आज उसने मेरे मन को हल्का किया है, प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया है। इसके लिए सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं। Praise the Lord. See, hopelessness, people try to commit suicide. जहाँ आशा नहीं होती वहाँ लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ विचार आता है तो चर्च में आओ दौड़ के और वचन सुनो, प्रभु तुमको निकालेगा। बिकॉज ये जो थॉट्स है वो शैतान से बर्बादी का थॉट्स है। ऐसा अगर थॉट्स आता है खुद का बर्बादी करो, सुइसाइड करो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं, डर आ गया है, डिप्रेशन आ गया है, तो भाग के आओ चर्च में, वचन सुनते जाओ। Keep on hearing the word. तो लगातार वचन सुनते रहिए। Amen. Amen. जो भी प्रॉब्लम हो तुम्हारा अभी, वो कुछ नहीं कर सकता है तुमको प्रॉब्लम हो, एक याद रखो, आशा रखो प्रभु पे, वो तुमको निकालेगा। Amen.